पश्चिम बंगाल में सीटों का ऐलान करके ममता बनर्जी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। अब बारी बीजेपी की है कि वो किस सीट से किसे मौका देती है। बात है कि ममता के पुराने सिपह सालारों के दम पर ही बीजेपी उनका किला भेदने की कोशिश में है। बीजेपी का जंगी आगाज देखकर ममता बनर्जी के हाव भाव भी बदले बदले से हैं। कॉन्फिडेंस भी कहीं कहीं लड़खड़ाता सा नजर आता है। नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने का दावा करने वाली ममता बनर्जी अब सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने वाली हैं। अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर को उन्होंने दूसरे के भरोसे छोड़ दिया है। बहुत सोच समझकर ममता बनर्जी एक एक सीट बचाने की कोशिश कर रही हैं, पर अफसोस उनकी ये कोशिश बहुत कारगर होती नजर नहीं आ रही। कम से कम ओपिनियन पोल तो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं कि ममता बनर्जी को इस बार हार का मुंह देखना पड़ सकता है। प्रियबंधु नाम की एक वेबसाइट के ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी इस बार बीजेपी से बुरी तरह मात खा सकती हैं। प्रियबंधु पोल के मुताबिक टीएमसी को इस बार 73 सीटें ही मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 160 सीटें तक मिल सकती हैं, जबकि वाम और कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 22 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। प्रियबंधु का पोल 294 में से सिर्फ 258 सीटों पर किया गया, जिसके आधार पर पोल इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस बार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बंपर सीटें मिल रही हैं।